हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने इसके नोट्स जो हैं मैंने सेकंड टाइम ये आपको भेजे, और ये नोट्स जो हैं बहुत इजी और कंसेप्चुअल हैं। तो इन को हम आज इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो इसका मैथामेटिकली पार्ट है वो हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स और स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट और एग्जांपल्स को आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है बच्चे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कहता है, रटा नहीं मारना, इसको समझना है कि एनर्जी कैन Neither be created nor destroyed, although it can be converted from one form to another। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस स्टेटमेंट का आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। इसको हम ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे जो है वो उसके बेसिस पे दिया हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स कि जो टोटल एनर्जी है पूरे हमारे सिस्टम की, सराउंडिंग की, यूनिवर्स की, वो कंजर्व रहती है। ना ही हम एनर्जी को खुद से क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब ये स्टेटमेंट तो आपने सुनी होगी कि एनर्जी को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता कैसे है वो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इसका मैथमेटिकली पार्ट बाद में समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले आप हम इसकी ये एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे डेली लाइफ के बेसिस पे जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या है, पहली कि ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर लाइफ। फोटोसिंथेसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच प्लांट्स ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझ रहे हैं बच्चे ये एग्जांपल बड़े ध्यान से। देखो बच्चे, होता क्या है कि ह्यूमंस अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लस एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। समझना है ध्यान से। और फिर जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट को हमने सोलर एनर्जी को HBU से लिखा, तो वो बनाता है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज, जो कि फूड होती है उनकी, प्लांट्स की, प्लस 6O2 ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। ये ऑक्सीजन फिर वापस हम लेते हैं और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। तो बेसिकली होता क्या है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ये क्लोरोफिल है, हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। याद रखना, ये बड़ी कंसेप्चुअल चीज़ है केमिस्ट्री में। इस क्लोरोफिल को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। तो फोटोसेंसिटाइजर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है और फिर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करती है, ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिले और वो आपस में रिएक्ट करें। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की नीड होती है, मीन्स उसके रिएक्टेंट को एनर्जी मिलेगी तभी वो आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, तो ये दोनों सनलाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होती है ये फोटोसेंसिटाइजर होती है। और फोटोसेंसिटाइजर का क्या काम है कि ये जो सनलाइट होगी, सोलर लाइट होगी, ये सोलर लाइट को अब्जॉर्ब करेगी, उस लाइट को, उस एनर्जी को, लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करेगी इन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर रिएक्ट करके उनके लिए क्या बनाएंगे, प्लांट्स के लिए फूड बनाएगा, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन निकलेगी। तो हो क्या रहा है कि मेन काम यहाँ पे है किससे हो रहा है, सनलाइट से, कि सनलाइट ना होती तो रिएक्शन ही नहीं हो सकती। दूसरा काम क्लोरोफिल का, कि सनलाइट आ रही है और क्लोरोफिल इसको ऑब्जर्व करके ट्रांसफ़र कर रही है, तभी जाके रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो बेसिकली सनलाइट जो आ रही है, सोलर एनर्जी, तो हमने क्या कहा कि सोलर एनर्जी सन से, ये हमारे पास सन है, इस सन से जो रेडिएशन आ रही है, मीन्स
सोलर एनर्जी आ रही है और सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस अभी हमने रिएक्शन लिखी तो क्या हुआ उसमें, उस रिएक्शन में केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई, मींस फूड में कन्वर्ट हुई। तो क्या हुआ, जो सोलर एनर्जी थी वो क्या हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, फूड में, केमिकल एनर्जी में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस फूड को फिर जो है ग्रीन प्लांट्स जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, बल्कि सोलर एनर्जी एक फॉर्म है एनर्जी की और केमिकल एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म है एनर्जी की। अब समझ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे समझना है। पहले ये देखो क्या होता है, सन सन से जो सन लाइट निकली, रेडिएशंस निकली, उनको किसने लिया, प्लांट्स ने। प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे हम हैं हर्बीवोर्स, जो उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स जैसे गाय होगी, भैंस होगी, वो क्या हर्बीवोर्स हैं। और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होगी जो मीट खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, लाइन हो गया। और कार्निवोर्स जब मर जाते हैं तो उन्हें कौन खाते हैं, डीकम्पोजर, जो बैक्टीरिया होते हैं। अब देखना क्या होगा, सन जो है वो रेडिएशन दे रहा है, तो सन क्या दे रहा है, सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी प्लांट्स में आके कन्वर्ट हो रही है किसमें, फूड में, मींस केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये यहाँ से जो प्लांट्स की केमिकल एनर्जी है, फूड है, ये किसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, हर्बीवोर्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया एनिमल्स, गाय, भैंस, हॉर्स, जो कि क्या कहते हैं, घास कहते हैं। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स, तो वो कार्निवोर्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। अब कार्निवोर्स को कौन खाएगा, जो डीकम्पोजर हो। तो एनर्जी जो है बेसिकली आई कहाँ से, सन से, सन ने स्टार्ट किया। तो एक फॉर्म सन ने एनर्जी दी, वो आगे फिर प्लांट्स में गई, प्लांट्स से फिर हर्बीवोर्स से, हर्बीवोर्स से कार्निवोर से, कार्निवोर से डीकम्पोजर में। तो जो एनर्जी है वो लॉस नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये बड़ी मेन एग्जाम्पल थी इसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो डेली लाइफ पे यूज़ होती है। तो ये एग्जाम्पल जो हमें अभी पढ़ी, यही आगे हर्बीवोर्स में, फिर ये कार्निवोर्स, और फिर डीकम्पोजर में। तो ये लिविंग एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स, कि जैसे मान लो आप, आपके घर में बल्ब जलता है, तो बल्ब जलेगा कैसे, आपने स्विच ऑन की। क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं। आपने इसको वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ, लाइट जब इलेक्ट्रिसिटी आई, पावर आई, आपने स्विच ऑन किया, ठीक है। इस स्विच जब आपने ऑन किया तो इसमें क्या गया, करंट गया, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, और ये जाके बल्ब में गई, बल्ब आके ग्लो किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट एनर्जी में। बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा, आपने फैन को ऑन किया, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपका फ़ैन नहीं चलेगा। जब आपने स्विच को ऑन किया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका फ़ैन जो है वो रोटेट करना शुरू हो गया। तो ये वाली जो एनर्जी होती है, ये जो रोटेट करने से होती है, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो मूवमेंट से हुई, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने क्या कहा, फ़ैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। रूम हीटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो सारी जो है ये कन्वर्ट हो रही है। अब एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये एग्जांपल दीजिए कि आपके पास एक ये बॉल है और एक ये बॉल है। आपने कैरम बोर्ड में आपने इस बॉल को स्ट्राइक किया, तो ये बॉल आगे जाके इस बॉल को स्ट्राइक करेगा, ये बॉल फिर मूव करेगा, या इधर या इधर या इधर मूव करेगा। तो क्यों मूव करेगा, आपने इसके ऊपर एनर्जी लगाई अपनी, एनर्जी, ये एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हुई। ये जो मूवमेंट से एनर्जी होती है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस बॉल ने
काइनेटिक, जो हमने इसके ऊपर एनर्जी लगाई उसने वो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र की, फिर इस ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव किया। तो याद रखना, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कि मान लो आप क्या करते हो कि आपको आप कुछ काम कर रहे हो, आपको भूख लगी है, और जब भूख लगती है तो आप क्या हो जाते हो, लेज़ी हो जाते हो ना, आपको चलने का मन भी नहीं करता, खाने का मन भी नहीं, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। आप क्या करोगे, कुछ खाओगे, कुछ एनर्जी वाला खाओगे, कुछ चॉकलेट खा ली, ग्लूकोज पी लिया, आप एकदम एक्टिव होगे, फिर आप चलोगे भी, सांस भी लोगे अच्छे से, अपने ऑर्गन्स को भी मूव करोगे। जैसे कि आप फ़ोन पे अपनी स्क्रीन को रोटेट करोगे ऊपर नीचे, तो ये भी क्या है, ये आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो आपकी फिंगर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये जो हम मूव कर रहे हैं। तो ये भी कैसे होगा, जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के, मूव के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की, इनको आपको समझना है। बाकी हम जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।